नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं manoharanjana.com। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो या तो सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और आने वाले ट्रेनिंग सेशन में यानी कि मंडे को कुछ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीधा चलते हैं हम हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हमारी लिस्ट में है वो है ब्रिटानिया। तो हम सिंपल सी ब्रिटानिया लिख लेते हैं, इसमें हमने लिख दिया है ब्रिटानिया। कुछ लिखने में मिस्टेक है, डी लिख देते हैं, टानिया अपने आप आ जाएगा। ये ब्रिटानिया आ गया है यहाँ पर। ब्रिटानिया में आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, हालांकि ये मेरे द्वारा बनाया गया चार्ट है, प्रोफेशनल लोग हो सकता है इससे थोड़ा सा कुछ मना कर दें या सही ना माने। अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर नीचे गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर इसने सपोर्ट बना लिया इस रेजिस्टेंस को, फिर ऊपर आया और फाइनली अभी दो सेशन पहले इसने नीचे की क्लोजिंग दे दी। यानी कि इस वीक में इसने 3000 जो ये 3100 का जो लेवल था वो इसने तोड़ दिया है और 3022 के नीचे आ गया। अभी जो अगला सपोर्ट जो इसके लिए बनेगा वो करीबन 2960 रुपये के आसपास बनेगा, यानी कि यहाँ से भी 60 रुपये की डाउन साइड अभी इसमें बची है। सेम ऐसा ही जो ब्रेकडाउन आया है एक और स्टॉक में, हम उसको देख लेते हैं, जो टावर वाली कंपनी है इन्फ्रा में, इन्फ्राटेल जिसका नाम है। तो आपके सामने मैं इन्फ्राटेल का चार्ट लगाता हूँ। इन्फ्राटेल, ये सामने भारतीय इन्फ्राटेल का मैंने चार्ट लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो करीबन 30 जुलाई से जो चल रहा था, जो रेंज इसने बना रखी थी, इस रेंज को इसने थोड़ा ऊपर गया, फिर रेंज जो बनाई थी, जो सपोर्ट लिया था वहीं से सपोर्ट ले लिया, इसने जो पिछली बार सपोर्ट था वहीं से सपोर्ट लिया और एक तेज़ गिरावट आई इसमें और करीबन 180 रुपये के लेवल दिखाया इसने, फिर ऊपर गया, ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसी रेंज में गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और दो दिन 250 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है और ये वीकली क्लोजिंग जो इसने आज दी है ये वापस इसको बेयरिश में कन्वर्ट कर देगी। अब ये तो या तो यहाँ 230 के ऊपर अगर वापस से रिवर्स हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम नीचे के टारगेट इसके लिए ओपन कर लेंगे जो कि 200 रुपये के और वापस 180 रुपये के आसपास के बनते हैं। तो इसमें भी आप अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टॉक पे, वो है दोस्तों हैवी वेट, जो इंडेक्स को मूव कराता है, जिसका नाम है रिलायंस। तो रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस में देखिए दोस्तों, शूटिंग स्टार बन रहे हैं दो तीन दिनों से, शूटिंग स्टार बन रहे हैं जो कि बेयरिश कहलाता है और जो ट्रेंड रिवर्सल कहलाता है। हालांकि इसने जो गैप अप ओपनिंग दी है करीबन 1500 रुपये से, ये जो गैप अप हुई है 30 रुपये का, हो सकता है ये आने वाले कुछ दिनों में इस गैप को फिल कर दें, क्योंकि जो कैंडल लगातार जो तीन कैंडल बनी है ये बेयरिश कैंडल है, तो आने वाले दिनों में इसमें शॉर्ट पोजीशन ही कैरी करना है हमें, लॉन्ग्स नहीं कैरी करना है। क्योंकि लॉन्ग्स के लिए जब तक अभी इस लेवल को 1570 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग ना दे, हम इसमें लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं एक और स्टॉक पर जिसका नाम है JSW स्टील। ये हम है और ये हमने लगा JSW स्टील। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मैं चार्ट लंबा टाइम फ्रेम पर ले जाके आपको कुछ दिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल चीज़ समझ में आए। दोस्तों अब देखिए, ये भी जून जुलाई से ही इसमें, जून से यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया। यही देखिए, ये पिछली बार यहाँ से सपोर्ट लिया, इस बार इसने इसको रेजिस्टेंस बना लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया और नीचे चलता गया। फिर उसी सपोर्ट को, जो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, वो रेजिस्टेंस बना इसके लिए और फिर वही रेजिस्टेंस बन रहा है। अब जब तक ये 260 रुपये के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम इसमें लॉन्ग नहीं करेंगे। हमारा नज़रिया है वो जो बेयरिश ही रखेंगे जब तक ये 260 के ऊपर क्लोज ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले स्टॉक में जो कि है झील का। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट स्टॉक है दोस्तों। तो ये हमने झील का लगा दिया। देखिए, ये जो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसके ऊपर इसने दो दिन क्लोज किया है, आज उसके नीचे आ गया था लेकिन क्लोजिंग वापस ऊपर ही दी है उसने। अभी ये ब्रिज बना हुआ है, हालांकि ये जो शॉर्ट टर्म में इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 380 के आसपास रहेगा। अभी भी 20 रुपये का यहाँ पर हमारे लिए अपसाइड ओपन है, और अगर ये 380 पार कर लेता है तो अगला टारगेट हमारे लिए रहेगा 400 रुपये का।
दोस्तों, तो हमें बताइएगा, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को यदि अपने आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।